की है, न लाइन है, न रोड है, और टीवी निकाल के ले गए। तो ये टीवी जो चालू है, हम लाइट लगा। आज जो धरना दिया धर्मपुरी में, वो इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे हर घर के बड़े हुए बिलों को लेकर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सबीर पहलवान जी की तरफ से और सभी नगरवासियों की तरफ से धरना रखा गया। अगर ये धरने में जो बड़े हुए बिल को कम नहीं करेंगे, पुनः धरना देंगे, और जब तक ये इस प्रकार से अभी रोजगार चल नहीं रहा है कोविड की जैसी महामारी के समय, और ऐसी स्थिति में लोगों के पास काम धंधा नहीं है, और बढ़ते हुए बिलों को महंगाई के समय इस प्रकार से देंगे, लोग परेशान हैं, इसी उद्देश्य से आज ये धरना दिया गया। अभी जो आपको आश्वासन मिला, अगर ये आश्वासन पूरा नहीं होगा, अगर आश्वासन पूरा नहीं होगा तो हम पुनः इस धरने को और बड़े रूप में करेंगे और उग्र रूप में इस धरने को धरना आंदोलन करेंगे। और मैं गणेश नहाले कनिष्ठ अभियंता के पद पर विद्युत विभाग में पदस्थ हूँ। और जैसे आप सबको अवगत है कि आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना दिया है, इसमें उनके कुछ पॉइंट है कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें मेरा एक ही कहना है कि जिनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं वो आवेदन प्रस्तुत करें, उनके नियमानुसार जाँच करके उसकी जो भी सुधार कार्रवाई होगी वो करेंगे। दूसरा उनका कहना है कि नागरिकों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया है। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है तो शिकायत प्राप्त होना चाहिए। अगर शिकायत प्राप्त हुई ही नहीं है, फिर भी किसी को बुरा लगा है तो क्षमा प्राप्ति है। और तीसरी चीज़ उनका ये कहना है कि लाइन कटौती ज़्यादा हो रही है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले महीने वर्षा स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी, और प्रारंभ होने पे तार गलना, तारों का टूटना, केबलों का जलना, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, आंधी तूफान भी चलता है, तो कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ था, बाकी तुरंत विद्युत विभाग के द्वारा सुधार कार्य किया गया है। उसके बाद उनका एक इशू है स्ट्रीट लाइट का, तो स्ट्रीट लाइट पुनर्वास वाली जो है विद्युत विभाग जो है उस कनेक्शन को 1 अप्रैल से चालू अवस्था में है, बाकी चूँकि इनके कुछ अवैध कनेक्शन है, अवैध पॉइंट है, कनेक्शन नहीं कह सकते पॉइंट है, वो पॉइंट अवैध होने के कारण बंद पड़े हैं, और वो कनेक्शन NVDA का है, NVDA उसे चालू करा है, विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, NVDA के द्वारा किसी प्रकार कोई आवेदन नहीं गया, नहीं उनके द्वारा हमें कोई आवेदन किया गया है, और बिल का भुगतान तो बकाया है ही, 2,81,000 के लगभग उनका बिल का बकाया है, और भुगतान होगा तो बराबर चालू भी होगी, और स्ट्रीट लाइट चालू भी है, बाकी पॉइंट अवैध होने के कारण बंद है, कुछ पॉइंट